ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 8 ग्रूमिंग हैक्स के बारे में, या फिर आप कह सकते हो 8 ग्रूमिंग टिप्स के बारे में जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपका एम स्मार्ट दिखना है, हैंडसम दिखना है, सेक्सी दिखना है, तो ये 8 ऐसी हैक्स है ना जो आपको जरूर आनी चाहिए, तो सीखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाओ मेरे भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पे आप मुझे अपने सवाल पूछ सकते हो और आपका भाई उन पे वीडियो जरूर बनाएगा। अब हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। हैक नंबर 1, पिंक लिप्स। अगर आपने किया है तो हो सकता है कि आपके जो लिप्स है ना ये डार्क हो गए होंगे, या फिर और भी बहुत सारे रीजन है जिससे आपके ये लिप्स है ना ये डार्क हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा मुझे सवाल आ रहा था कि भैया मेरे जो लिप्स है इन्हें मैं वापस पिंक कैसे कर सकता हूँ। एकदम इजी है। अगर आपको अपने लिप्स पिंक करने हैं एकदम नेचुरली, सबसे पहली चीज आपको चाहिए एक टूथब्रश, उसको आपको गर्म पानी के अंदर डुबा देना है, थोड़ी देर उसे रखो, जब वो एकदम सॉफ्ट हो जाए ना तब उस टूथब्रश को निकालो और अपने जो लिप्स है ना इन्हें एक्सफोलिएट करना है आपको, एकदम हल्के हाथों से करना है। वीक में आप 3 बार या फिर 2 बार इसे कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 2 ही बार इसे यूज करो, 15 मिनट अपर लिप्स पे और 15 मिनट लोअर लिप्स पे। आप नोटिस करोगे आपके जो लिप्स है ये पिंक दिख रहे होंगे। दूसरी चीज जो आपको करनी है कि बार बार अपनी जो जुबान है ना, अपनी टंग, ये अपने लिप्स पे टच नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लिप्स को ना ड्राई बनाते हैं और डल बनाते हैं, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। और तीसरी चीज, धूप में जाने से पहले लिप बाम अप्लाई करो, और ऐसा लिप बाम अप्लाई करो जिसके अंदर आपको SPF मिल जाए। हैक नंबर 2, व्हाइट हेयर। अब देखो जैसे जैसे आपकी एज होती है ना आपके बाल अपना कलर छोड़ेंगे, ये एकदम नेचुरल है, क्योंकि जैसे जैसे एज होती है ना तो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है ना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ती है। लेकिन यही चीज अगर आपको अर्ली 20s में हो जाए, अगर आप 17 के हो, 20 के हो, 22 के हो, 25 के हो, और अगर ये चीज हो रही है ना तो इसके पीछे मेन 2 रीजन हो सकते हैं, या तो भाई साहब कुछ डेफिशिएंसी आ रही है न्यूट्रिशनल, या फिर भाई साहब आपकी लाइफस्टाइल है कचरा। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर कॉपर की डेफिशिएंसी, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है ना, तो व्हाइट हेयर आपको इजीली आ सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल ये है कि आप विटामिन B12 अपना एकदम प्रॉपर लो, अपने सप्लीमेंट लो, या फिर अपने खाने के अंदर से जितना विटामिन B12 हो सके उतना लेने की कोशिश करो। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी इजीली हेल्प कर सकते हैं। पहला है विटामिन D3, दूसरा है B12, तीसरा है बायोटिन, चौथा है जिंक। लेकिन ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी आ रही है और उसके हिसाब से आपको सप्लीमेंट लेना है। दूसरी चीज आती है आपका जो लाइफस्टाइल है ना, इसे आप मेंटेन करो, एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाओ। जैसे आपका जो स्ट्रेस है इसे आप रिड्यूस करो, आपका जो वेट है अगर वो ज्यादा हो चुका है उसे वापस कंट्रोल में लाओ, क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों को नुकसान दे रही है। और एक खास चीज, अपने बालों को ना धूप से बचाया करो। हैक नंबर 3, ब्लैक नेक। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये भाई साहब मैंने तो हद से ज्यादा फेस की है। मेरा जो फेस का कलर है और जो नेक का कलर है ना, इसमें भाई साहब पहले होता था रात दिन का फर्क, क्योंकि मैं मेरे फेस की ज्यादा केयर करता था मेरे नेक के कंपैरिजन में, और फिर बहुत अजीब सा लगता था, मतलब फेस गोरा है और नेक एकदम काली, और आप में से बहुत सारे लोग ये वाली सिचुएशन में होंगे। इसका सॉल्यूशन भी एकदम इजी है, फेस वॉश, फेस मास्क, या फिर स्क्रब, जो भी आप अपने फेस पे यूज कर रहे हो ना वो चीज आपको अपने नेक तक भी यूज करनी है, बहुत सारे लोग ये चीज नहीं करते। सेकेंड चीज, आपकी जो सनस्क्रीन है आपको नेक पे भी अप्लाई करनी है। तीसरी चीज, जब भी आप एक हार्श सनलाइट में जाओ ना, अगर बहुत तेज धूप है, जैसे आप अपने फेस को कवर करते हो सेम वैसे आपको अपनी नेक को भी कवर करना है। और चौथी चीज, जब आप वर्कआउट करते हो तब आपके नेक के ऊपर पसीना आता है, उसे आप साफ कर लीजिए, बिकॉज पसीना है ना ये आपकी यहाँ की स्किन, मतलब कि आपकी नेक की स्किन को डल बनाएगा। हैक नंबर 4, आपकी नेकलाइन। अब मोस्ट प्रोबेबली ये 2 जो नेकलाइन है ना, ये बहुत सारे लोग करते हैं। पहली, या तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर सेकंड, इसे एक यू शेप में बना लेते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही रहने देते हो तो आपके लुक्स भी ऐसे ही खराब हो जाएंगे, और अगर आप इसे यू शेप दे रहे हो, देखो ये चीज सही है, लेकिन अगर आप अपने फेस को थोड़ा ओवल दिखाना चाहते हो, अब देखो मैं ओवल फेस की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ओवल फेस शेप एक ऐसा शेप है ना जिसके ऊपर ऑलमोस्ट हर एक हेयर स्टाइल सूट कर जाती है, तो अगर आपको ऐसा शेप दिखाना है ना अपने फेस का, तो आपकी जो नेकलाइन है ना इसे आपको थोड़ा अलग तरीके से कट करना पड़ेगा। आपके गले का जो ये पोर्शन है ना एडम एप्पल, इसके ऊपर आपको अपनी फिंगर ऐसे रखनी है, ठीक है, एक फिंगर, और इसके नीचे जितने भी बाल है ना इसके साथ में, वो आपको सारे निकाल देने हैं। सेकंड चीज, आपको अपनी जॉ लाइन से आधी फिंगर नीचे यहां से अपने बालों को रिमूव कर लेना है, सेम दूसरी साइड पे भी, और इस तरीके से आपको ट्रिम कर लेनी है। आप नोटिस करोगे आपका जो फेस है ये काफी ज्यादा ओवल दिखेगा, इससे आपकी नेकलाइन यूनिक भी दिखेगी, साथ ही में आपका जो फेस है ये ओवल भी दिखेगा। हैक नंबर 5, सनटैन। वैसे तो हम सनस्क्रीन का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, या तो हम सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, या फिर हम धूप में इतनी ज्यादा देर रहते हैं ना
और हम सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना भूल जाते हैं। अब हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? पहली चीज, ऐसी सनस्क्रीन यूज करो जिसके अंदर एसपीएफ एटलीस्ट 50 हो। लेकिन ये चीज आपको सनटैन होने से बचाएगी, लेकिन ऑलरेडी अगर हो चुका है तो क्या करें? तो अगर आप अपनी टैनिंग को एकदम इजीली रिमूव करना चाहते हो ना, तो आप उपटन फेस पैक का यूज कर सकते हो। इसके अंदर हल्दी आता है, केसर आती है और बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो आपके फेस के लिए बहुत बेस्ट है और आपके सन टैन को इजीली रिमूव कर सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि चलो आज एक दिन बनाना है ना तो हम ये बना लेंगे, लेकिन अगर हफ्ते में आपको ये दो बार बनाना पड़ेगा हमें आलस आएगा और फिर हम इसे लगाना बंद कर देंगे। अगर लगाऊंगे नहीं तो सनटैन जाएगा नहीं, अगर सनटैन जाएगा नहीं तो वापस आप कमेंट्स में क्या लिखोगे, भैया सनटैन कैसे रिमूव करें? इसका एक इजी सॉल्यूशन है, आप यूज कर सकते हो मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क। मामा अर्थ का जो पहले उपटन फेस मास्क आता था ना, ये उसका न्यू और अपडेटेड वर्जन है, एकदम नेचुरल, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। इवन इसके अंदर वो जो फ्रेग्रेंस होती है ना, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, वो तक नहीं है, SLS नहीं है, पैराबेन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बिंदास यूज कर सकते हो और हर एक स्किन टाइप के लिए। इसमें सेफ्रॉन है, इसमें टर्मरिक है, इसके अंदर एप्रिकॉट ऑयल है, इसके अंदर क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर एलोवेरा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी स्किन के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें जो सेफ्रॉन है ना, ये आपके डार्क स्पॉट दूर करेगा, जो टर्मरिक है ये आपको एक ग्लोइंग स्किन देगा इंस्टेंटली, इसके अलावा जो एप्रिकॉट ऑयल है ना, ये आपके फेस को टोन करेगा बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई होता है, और क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, ये सन से जो डैमेज हो चुका है ये उसे हील करेगा, उसे रिपेयर करेगा और आपका जो सन टैन है ना उसे रिमूव करेगा। इसे यूज करना भी एकदम इजी है। सबसे पहले आपका जो फेस है ना, इसे आप वॉश कर लीजिए। आप मामा अर्थ के ही उपटन फेस वॉश को यूज कर सकते हो, इसके अंदर टर्मरिक और सेफ्रॉन की गुडनेस भी है, साथ ही में ये नेचुरल है, इसके अंदर SLS, पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, कोई ऐसी चीजें नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और हर एक स्किन टाइप के लिए। अपने जब फेस को आप वॉश कर लो, उसके बाद अपने फेस को आपको पैट ड्राई करना है, उसके बाद अपने पूरे फेस पे आपको इवनली मामा अर्थ उपटन फेस मास्क अप्लाई करना है। इसे 15 से 20 मिनट आप रहने दीजिए, जैसे ही 15-20 मिनट हो जाए इसे आप वॉश कर सकते हो लूक वार्म वाटर से, हफ्ते में दो बार ये करना। आप नोटिस करोगे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखेगी, बहुत ही ज्यादा इवन टोन दिखेगी। आप नोटिस करोगे आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है, साथ ही में आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग दिख रही है, और मेन चीज जो सनटैन था ना वो इसे इजीली रिमूव कर देगा। इन दोनों को परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप इजीली इसे ऑर्डर कर सकते हो। एक और चीज, अगर आप MON202 कूपन कोड मामा अर्थ की वेबसाइट पे यूज करते हो तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको Amazon, Flipkart और मामा अर्थ की वेबसाइट प्लस उनकी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ऑल्सो मामा अर्थ आपके ऑर्डर को उनकी वेबसाइट पे एक पेड़ के साथ लिंक कर देंगे। मामा अर्थ का एम 2025 तक 1 मिलियन पेड़ उगाना है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप भी ऑर्डर प्लेस करके इस अच्छी चीज में साथ दे सकते हो। सेकंड चीज, मामा अर्थ की एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो गई है iOS और एंड्रॉइड के लिए, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने का फायदा क्या होगा, आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हैक नंबर 6, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आपके फेस के ऊपर या तो यहां पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, अनवांटेड हेयर। अब ये ना थोड़े से खराब दिखते हैं, इसे आप रिमूव कैसे कर सकते हो? दो इजी मेथड है। सबसे पहला, ब्लैक चारकोल पील ऑफ मास्क आप यूज कर सकते हो जो आपके इन हेयर्स को इजीली रिमूव कर देगा। सेकंड चीज, आपको चाहिए बेसन और थोड़ी सी हल्दी, इसको आपको अप्लाई करना है, एकदम सूखने देना है, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए ये निकालना है। जब आप ऐसे करोगे तब आपके ये वाले जो हेयर है ना वो उस बेसन की वजह से जब वो हार्ड हो जाएगा ना तो उस वजह से वो टूटने लग जाएंगे, क्योंकि जब आप हल्के हाथ से स्क्रब करोगे ना तब वो बाल अपने आप टूट जाएगा। तो ये जो स्टेप है ये एकदम प्यार से करना, बहुत ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है, और ब्लैक चारकोल पील ऑफ मास्क आपके इजीली हेल्प कर देगा। हैक नंबर 7, अपनी आईब्रोज को ना बेसिक तरीके से सेट करना सीख जाओ, क्योंकि जैसे आपके बाल है इसे स्टाइल करना जरूरी है, इसे सेट करना जरूरी है, आपकी बियर्ड को प्रॉपरली ट्रिम करना, सेट करना जरूरी है, सेम वैसे ही आपकी जो आईब्रोज है ना इन्हें भी सेट करना जरूरी है। 3 इजी स्टेप्स में आप ये कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अपनी फिंगर आपको नोज पे रखनी है, सेम यहां पे, और यहां पे आपको जितने एक्स्ट्रा बाल दिखे ना वो आपको प्लग कर लेने हैं, सेम इस साइड भी आपको करना है। दूसरा, आपकी आईब्रोज की जो यहाँ पे साइड है ना, यहाँ से आपको जो अनवांटेड हेयर है उन्हें आपको प्लग कर लेना है। और तीसरी चीज, एक कॉम्ब लो, उसको अपनी आईब्रो के ऊपर रखो और जो भी अनवांटेड या फिर जो ज्यादा हेयर है ना उसे आप यहाँ से कट कर लो एक छोटी सी सीजर की हेल्प से। ये एकदम बेसिक और सबसे ईजी तरीका है अपनी आईब्रोज को सेट करने का। ऑब्वियसली ये कोई प्रोफेशनली हमने सेट नहीं की है, लेकिन जो बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी ना उसे हमने एक्चुअली शेप में ला दिया। हैक नंबर 8, आपके प्राइवेट पार्ट पे जो बाल है ना उन्हें आपको
कैसे रिमूव करना है। अगर आप ट्रिमर यूज करते हो तो आपकी जो स्किन है ना उसके अंदर आ जाएगी और आप इंजर्ड हो ही जाओगे। अगर आप शेव करोगे और जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप कट लगा लोगे, ये समस्या है। तो फिर करे क्या, पहला ऑप्शन या तो आप इंटीमेट हेयर रिमूवल क्रीम का यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन अपने प्राइवेट पार्ट के जो बाल है ना पहले इसे अच्छे से शेविंग फोम से लेथर अप कर लो। इसके कुछ सेकंड्स बाद आपके जो बाल है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उस वक्त आपको अपनी स्किन को पकड़ना है और हल्के हाथ से आपको रेजर करना है। ध्यान से, अगर यहाँ पे चूक हुई तो भाई। So, आज के वीडियो में इतना ही था। ये सारी हैक्स ना आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाओ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अपने कोई सवाल पूछना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।